नमस्कार। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसा खिलता गुलाब। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा कि शायद बहुत दिनों बाद बड़े पर्दे पर एक ऐसा चेहरा आया है जिसकी तलाश थी। ये भी लगा कि इस लड़की के चेहरे में ऐसा कुछ है, उसके अभिनय में कुछ ऐसा है कि बहुत दिनों से जो एक फासला था वो ख़त्म होगा, और ऐसा हुआ कि लेकिन इन सालों में किसी ने ये नहीं सोचा था कि ये चेहरा, ये खूबसूरत चेहरा कुछ ही सालों बाद एक ऐसी कैंपेन का हिस्सा बनेगा जिसकी समाज को जरूरत है। हम बात कर रहे हैं मनीषा कोइराला की। मनीषा कोइराला एक लंबे समय से कैंसर अवेयरनेस के साथ जुड़ी हैं, पिंक चेन कैंपेन। आज मनीषा जी से इसी से जुड़ी बहुत सी बातें करेंगे। मनीषा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। मनीषा जी, आप एक ऐसी ताकत के रूप में उभरी हैं जिसने कैंसर को लेकर बहुत काम किया, और एक ऐसा शब्द जिससे लोग बहुत डरते हैं, तो कैसे प्रिवेंशन हो सकती है और इस डर को कैसे कम किया जा सकता है? बेसिकली एक तो हमें ये सोचना है कि लाइफस्टाइल अच्छा हो, हेल्दी रहे। जैसे कि हम जानते हैं कि स्मोकिंग किल्स, इट गिव्स यू लंग कैंसर व्हिच इज़ एक्चुअली 90%। तो एक तो ये है, दूसरा काफ़ी कुछ आदतें जो वैसी हमारी होती है, जो लाइफस्टाइल रिलेटेड होती हैं, इफ़ यू कैन करेक्ट दैट, यू नो, इफ़ यू कैन इनकरेज द यूथ टू हैव अ हेल्दी लाइफस्टाइल सो दैट योर इम्यून सिस्टम इज स्ट्रॉन्ग, सो ऑल दैट प्लस हमको मेरे हिसाब से रेगुलर मेडिकल चेकअप्स कराते रहने चाहिए। स्पेशली आई फील व्हेन यू क्रॉस 35-40 स्पेशली, लेकिन उससे पहले भी हमको मेडिकल चेकअप्स कराते रहने चाहिए। सो एटलीस्ट वी नो व्हाट्स गोइंग ऑन विद आवर बॉडी, हमें मालूम होना चाहिए क्या हो रहा है, सब कुछ ठीक ठाक तो है, यू नो। सो इन चीज़ों में हम लोग थोड़ी ढिलाई करते हैं, क्योंकि हमारा क्या मेंटालिटी है कि जब भी हमको जब हम बीमार पड़ते तभी हम हॉस्पिटल जाएंगे या तभी हम डॉक्टरों से बात करेंगे, उससे पहले हम करते नहीं हैं। तो इफ़ यू हैव अ रेगुलर चेकअप्स इन दिस थिंग, सेकेंडली आई से योर लाइफस्टाइल, यू नो, इफ़ यू हैव अ हेल्दी लाइफस्टाइल व्हिच इज़ यू नो समय में सोना, ईटिंग न्यूट्रिशनल फूड, एक्सरसाइज करना, काफ़ी कुछ है, मेडिटेशन वगैरह कुछ जो भी है, एंड you know overall if you're looking after your health and then you're in touch with your medical professor, I think that's a good thing. आप जिस एज ग्रुप की बात कर रहे हैं, नॉर्मली 35 का जो एज ग्रुप है ये बहुत एक यंग एज ग्रुप है, और उस समय लोगों की अपनी बहुत सारी और काम होते हैं, सब लोग नौकरियां कर रहे हैं, बहुत चीज़ें हो रही हैं। एक इनिशिएटिव शायद लिया जा सकता है कि जो स्कूल्स का जो करिकुलम है उसमें हेल्थ को कहीं इनिशिएट किया जाए, कैंसर की बात हो, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? आई नॉट ओनली कैंसर बट इट, ये मेरा मानना है कि स्कूल में हेल्थ रिलेटेड एजुकेशन होनी चाहिए, और ये क्योंकि बचपन से ही एक अगर हम अच्छे रास्ते में चलें और हमें ये ज्ञान हो कि हमें ये करने से ये हो सकता है, ये करने से ये हो सकता है, तो लाइफ लॉन्ग एक अच्छी यू नो हैबिट बन जाती है। सो आई फील इट्स अ एसेंशियल पार्ट, न्यूट्रिशन इज एन एसेंशियल पार्ट, एजुकेशन अबाउट न्यूट्रिशन, अबाउट हेल्थ, सो it'll be a great thing if we can incorporate in our educational system. आपने एक जब बात की लंग कैंसर की और आपने स्मोकिंग की भी बात की, ये भी थोड़ा सा आयरनिकल है कि जो बॉलीवुड को हम देखते हैं, बॉलीवुड की कई फिल्में ऐसी हैं जिसमें स्मोकिंग दिखाई जाती है। इसके अलावा कई सारे स्टार्स हैं जो कि एंडोर्स कर रहे हैं ऐसे प्रोडक्ट्स को जो कि टोबैको बेस्ड हैं। इसके बारे में आप क्या सोचती हैं? हाउ डू वी डील विद दिस? सी, आई वुड से दैट आई डोंट वांट टू कमेंट अबाउट अदर पीपल्स पर्सनल चॉइस,
वो जो करें खुद के लिए करें, जो मैं वहाँ पे आई एम नॉट अ मोरलिस्टिक पुलिस कि आई शुड टेल व्हाट यू शुड डू विद योर लाइफ, बट हालांकि बट आई कैन टेल यू दैट 90% ऑफ द लंग कैंसर इज ड्यू टू स्मोकिंग विच इज प्रिवेंटेबल. अब ये इंफॉर्मेशन पाने के बाद आप वापस स्मोक कर रहे हो तो यू नो दैट्स समथिंग यू नो. सो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द यंग पीपल not to get influenced by wrong habits, you know. I would request them to find adventure, because I was also young and I also moved from that road, from wo lane se main bhi guzri hu. So young people want adventure, they want to experiment with new thing. Acha ye kare wo kare ye, you know, kuch impressionist bhi ho jate hain to koi celebrity koi karta hai to. I would say find adventure in your life, in sports, in achieving your dreaming about how you want to create, you know, cave your future, what kind of life you want to lead. So, you know, find adventure there, you know, in a positive way. So I would request all the youngsters to, you know, start negating, no matter aapko, tomorrow somebody else says, you should be able to be an example to say, I don't want to smoke. So I would request all the young people to say no to smoking. आपने बहुत पॉजिटिविटी की बात की और उसमें एक स्पिरिचुअलिटी का टच भी मैंने महसूस किया. आपकी जो अपनी एक जर्नी रही और आपने खुद इस चीज़ को विटनेस किया. मनीषा कोइराला एक एक्ट्रेस और एक बहुत जाना माना नाम, और फिर आपने एक बहुत ही एक ऐसे दौर को देखा जो बड़ा मुश्किल दौर था. इसने आपको कैसे बदला और आपने इससे कैसे डील किया? आई हैव अ फर्म बिलीव कि एक बार जिसको कैंसर हो जाता है ना, वो समबडी who has been touched by cancer cannot go back to living the same person, because I don't know why, but there is khali usko hi nahi, wo mareez ko hi nahi, uske aas paas ke log, uske ghar wale, family, everybody gets affected with it. Us waqt maine wahi thaan liya tha ki ab jo kuch bhi karungi, jitna in case main bach payi aur main if I get to live a life एक इंटेग्रिटी के साथ, एक कमिटमेंट के साथ, और दूसरों के बोलने से नहीं, अपने आप की सच्चाई को मैं ढूंढूंगी और उस हिसाब से मैं जीऊंगी. आप आने वाले समय में कैंसर अवेयरनेस को लेकर और क्या करना चाहती हैं? क्योंकि आपने इस जर्नी को बहुत करीब से देखते हुए, अपने आप को बदलते हुए, ट्रांसफॉर्म करते हुए, और आपने ट्रूथफुलनेस की बात की, बहुत सी ऐसी बातें की जो शायद लोग आपसे सुनना चाहते हैं और जानना चाहते हैं. तो आपके अपने अभी प्लान्स क्या हैं? हाउ डू यू वांट टू कंट्रीब्यूट मोर? वेल, वन ऑफ द मेन थिंग आई फील दैट आई वाज अलाइव इज बिकॉज़ प्रोबब्ली आई नीडेड टू जनरेट मोर अवेयरनेस, हेल्प पीपल, एंड आई डोंट नो, बिकॉज़ इट इज डेफिनेटली फॉर मी इट्स माय सेकंड चांस टू लाइफ. And having understood how precious gift this life is, I want to honor it. I want to look after my health, and I want to tell people, look, when I was unhealthy, you know, and when I did wrong to my body, my this thing, I went through so much of struggle, so much of things happened to me, and if I can correct it well, if I can live correctly, if I can have a healthy lifestyle and start doing right things, I will be able to, you know, motivate people. So this has become my passion, to tell people, you know, to live your life to the fullest. आप हिंदुस्तान में जो मीडिया है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है, और बहुत से टेलीविजन चैनल्स हैं, अलग अलग मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, लेकिन हेल्थ की बात कम होती है. आपको क्या लगता है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग है, उसको थोड़ा सा कुछ और सोचना चाहिए ताकि अवेयरनेस क्रिएट हो? कुछ सजेशंस जो आपके माइंड में आते हैं? एब्सोल्युटली, आई थिंक मीडिया नाउडेज इज अ की, एंड इट्स सो इम्पोर्टेंट. आई सी ऑल द टाइम न्यूज, कुछ भी इश्यू हो जाता है तो मीडिया पहुंच जाती है, तो इवन द पॉलिटिकल हेड्स आर कंपेल्ड टू डू द राइट थिंग बिकॉज मीडियाज हाउसेज आर सो पावरफुल एंड दे आर वॉचिंग. सो लाइक वाइज, इफ वी कैन रियली सीरियसली टेक अप एन इश्यू ऑफ हेल्थ एंड प्रिवेंटिव मेथड्स ऑफ प्रमोटिंग हेल्थ एंड गुड लाइफ स्टाइल एंड
and decreasing the death due to unnecessary reasons and lack of information and lack of initiative, if we can decrease the death, and if we can decrease the pain and the sorrow and the anguish that people can go through, and if we can increase the quality of their life, and if media does this, and of course the moment the media will take it up, I am sure the government bodies and other people and everybody will come forward. And we must do this, you know, and we must do it, taking from the school onwards, you know, from the younger age to the whole this thing. We need to focus that. And I have to say one more thing. See, India has been a land of Ayurveda as well. Mm-hmm. So it's already talks about a healthy lifestyle. Mm-hmm. You know, so ye hamare khud mein hai. So we should not forget that. लेकिन एक चीज ये भी है कि जो अल्टरनेटिव मेडिसिन है वो पूरी तरह से क्योर नहीं कर सकती कैंसर को, वो हेल्प कर सकती है, वो सपोर्ट कर सकती है. तो पर बहुत सारी विद इन द सोसाइटी बहुत सारे लोगों को बहुत सारी गलतफहमियां भी हैं. सो हाउ डू वी गेट अवे फ्रॉम दैट? आपको क्या लगता है कि कैसे पब्लिक को अवेयर करें? आई थिंक यू नो वंस यू कैन हैव अ हेल्दी लाइफस्टाइल, यू कैन हैव अ लॉट ऑफ दिस थिंग, बट इन केस despite all that you do contract a disease, then you have to go to a professional doctor. You know, there you don't want to mess up your life with, because after you're diagnosed with cancer, every second counts, and every wrong decision that you take, you're wasting your time, and that means you're shortening your chances of livelihood. So it's essential, once you're diagnosed, you have to go to the medical doctor. And after and in consideration with the doctor, you want to take any supportive methods. You know, you want to do yoga, pranayama, acupuncture, acupressure. There's so many things which is available, but you must take doctor in consideration. That's what I was also advised when I went to the doctor, and after some time, my doctor, she herself told me, Manisha, you can go for these complementing this thing, which will help you to ease out the side effects of chemotherapy. Breast cancer भी इसी तरह से बहुत ज़्यादा हिंदुस्तान में फैला है इस बीच, और डॉक्टर्स कोशिश कर रहे हैं अवेयरनेस लाने की, लेकिन आपकी तरह अगर सेलिब्रिटीज सामने आती हैं और वो बोलती हैं उसके बारे में, अवेयर करती हैं, तो ज़्यादा फर्क पड़ता है. तो ब्रेस्ट अवेयरनेस ब्रेस्ट कैंसर को लेकर आपका हाउ डू यू थिंक वन कैन टैकल दैट? I think, see, we need to do a lot of awareness programs, a lot of interviews, and I'm sure a lot of celebrities will come forward and help, because I know actors and actresses and cricketers and so many other people, if the cause is a genuine cause, they love to come forward, and we need to talk more about it. There's another thing that I want to talk about is, in our society, there's a stigma attached to cancer and some dreaded diseases, because ये वो लोग चुप हो जाते हैं, बताते नहीं हैं, तो मतलब कि घुट घुट के, you know, और उसी डर के, एक तो डर इतना भयानक हो जाता है ना कि आप मेडिकल ट्रीटमेंट भी नहीं लेते हो, और मेडिकल ट्रीटमेंट का इतना वो रखा हुआ है कि how quality life will suffer, and this will happen and that will happen. So basically lot of wrong information and lot of ignorance and lot of the stigma attached in our society. So we have to have more programs, we have to have more awareness programs, so that people can share, they can come out. That's the reason, one of the reason I came out and started talking, whether I live or die, I need to start sharing, because it'll help somebody else. I listened to Lisa Ray and UV, and I got encouraged. Likewise, I wanted to give that story. So, and today, cancer is not a death sentence. You know, I know if you're you're detected early, 80%, above 80% cancer is curable. And even after you detect late, I'm a late stage cancer. This thing, I am fine. It's been almost 3 years. And there are treatments today, the medical science has evolved. The treatments have become better. So I would really request people not to shy away from the treatment,
they should be hopeful and positive and start sharing and have support groups, have encouragements, and every human being matters, you know, every human being matters. So we need to respect that. आपने एक और बात कही, आपने societal support की बात की है. Yes. और आप ये कह रहे हैं कि कुछ groups भी ऐसे होने चाहिए, कुछ friends ऐसे होने चाहिए जो आपको support करें. Mm-hmm. लेकिन जब हम society में देखते हैं, बहुत से लोग जो बहुत बहुत जाने माने लोग हैं और जब वो भी इस तरह की परेशानी से गुजरते हैं, कई बार वो सामने आकर नहीं बताना चाहते, वो शेयर नहीं करना चाहते. जैसे सर्वाइकल कैंसर, ये भी कई सेलिब्रिटीज को हुआ. आपको लगता है कि ऐसा भी होना चाहिए कि ये तमाम लोग जो समाज में कोई एक तबके से बिलोंग करते हैं और उनकी आवाज बहुत महत्वपूर्ण है, उनको भी सामने आना चाहिए और अवेयरनेस लानी चाहिए, इससे फर्क पड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ताकि लोग कंफर्टेबल हो जाए कि ये किसी को भी हो सकता है और होने के बाद इसका ट्रीटमेंट है. ठीक है, ट्रीटमेंट के दौरान शायद तकलीफ होती होगी, लेकिन उसके बाद लाइफ तो है, यू नो. सो इट्स अ पीरियड ऑफ शॉर्ट टाइम दैट यू विल हैव टू सफर फॉर अ बेटर लाइफ. सो आई रिक्वेस्ट एवरीबॉडी नॉट टू बी स्केयर्ड ऑफ द ट्रीटमेंट एंड कम फॉर इट. ये कहा जाता है कि कुछ खास तरह के कैंसर में, जैसे सर्वाइकल कैंसर में, अगर छोटी उम्र में वैक्सीनेशन हो जाए तो उससे काफी बचा जा सकता है. सो एब्सोल्युटली, सो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल एवरीबॉडी टू गो फॉर वैक्सीनेशन, एंड आई वुड रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट आल्सो टू पुट दिस इन अ नेशनल प्रोग्राम्स, बिकॉज़ दिस कैन हैव अ वेरी पॉजिटिव इफेक्ट. आपने मनीषा जो सारी बात कही उसमें सबसे खास बात आपने ये कही कि कैंसर से जिंदगी खत्म नहीं होती, जिंदगी में उम्मीद है, उसके बावजूद उम्मीद है, और आप लगातार कैंसर अवेयरनेस को लेकर आप जुड़ी भी हैं. आप जब कुछ पेशेंट्स से मिलती हैं और आप उन्हें एक होप देने की कोशिश करती हैं, खुद आपको कैसा लगता है? तो आई फील द पेन दैट दे फील, एंड क्योंकि मैं आई अंडरस्टैंड व्हाट दे आर गोइंग थ्रू. आई कैन अंडरस्टैंड द कन्फ्यूजन, द फियर, द नॉट नोइंग व्हेदर दे गोना लिव और नॉट. So I connect with them, so I feel their pain. Hence, I want to give them enough assurance that go to the correct doctor. There is life beyond cancer. There is hope. There is, you have to be strong to face it, fight it, and come out as a winner. Because I really believe in mind, body, spirit connection. If you are strong willed, you know, you can combat this with the right support, of course. Mind, body, spirit. इस सब बातों के बीच मनीषा कोइराला लगातार उम्मीद जगा रहे हैं और लगता है कि इस तरह की कैंपेन जब मनीषा कोइराला जैसी शख्सियतें चलाती हैं तो उसका असर बहुत दूर तक जाता है. मनीषा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए. Pink Chain campaign is doing exceptionally good work. I support them completely and I wish them a good, huge success.
लग रहा है चार्जिंग आपका, ये लिनोवो है क्या आपका सर? हेलो तारा। आभा। हाँ, स्कूल नहीं आई आज तो? बस ऐसे ही, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी। चल आती हूँ तो उससे मिलने आज। कब पता चला? 5-6 महीने पहले। 5-6 महीने पहले बताया क्यों नहीं? यार छोटी सी गांठ थी, मटर के दाने जितनी, मैंने ध्यान नहीं दिया। चल चले। पहले तो एक छोटी सी गांठ थी, फिर थोड़ी बड़ी हो गई, लेकिन अब आप तेजी से बढ़ रही है। देखो तारा, कुछ एक एग्जामिनेशंस करने पड़ेंगे, गांठ का सैंपल भी लेना पड़ेगा, ये जरूरी है, इसे डिले नहीं कर सकते। पिछले कुछ समय से मेरी लेफ्ट ब्रेस्ट में एक गांठ है, आज डॉक्टर के पास गई थी। ब्रेस्ट में गांठ है? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया तारा? मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। अब डॉक्टर ने क्या कहा? शायद ब्रेस्ट कैंसर है। ब्रेस्ट कैंसर? तारा क्या है, कभी अपना ध्यान नहीं दे रखा, हमेशा घर में लगी रही, लेकिन अब अपना ध्यान रखूंगी और घर तुम बाप बेटी मिलकर संभालोगे, ठीक? तारा
किस स्टेज में है? कॉफी पीते हैं? मतलब क्रिटिकल है? कॉफी लीजिए। क्रिटिकल है? एडवांस स्टेज है, फॉरेन एडमिट होना पड़ेगा। समय कितना बचा है? जिंदगी तो लिमिटेड है तारा, मैं कोई ज्योतिषी तो हूँ नहीं जो बता दूँ, बस इलाज करना होगा। मतलब समय है? जिस दिन महावारी शुरू हुई है उसके सातवें दिन, क्योंकि उस वक्त ब्रेस्ट बहुत हल्की होती हैं, तो उस वक्त नहाने के बाद, क्योंकि नहाने के बाद चमड़ी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती है, तो उसके बाद एग्जामिन करें। तो एक तो सीधा खड़े होकर जब ब्रेस्ट छोटी होती है तो उस वक्त थोड़ा सा झुक जाएं ताकि मांस आगे को हो। उसमें सबसे पहले निप्पल का लेवल देखना है, दोनों का शेप, दोनों की कलर वो बिल्कुल बराबर है। मुझे पहले पता चल गया था पर मैंने लापरवाही की और डॉक्टर के पास नहीं गई। सोचा मुझे क्या हो जाएगा, मुझे क्या हो सकता है, हो गया। डॉक्टर के पास पहुंची तो देर से, फिर सोचने लगी मुझे ये बीमारी क्यों हुई, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा। और फिर तरह तरह के डर सताने लगे, सिद्धार्थ का क्या होगा, तू क्या करेगी। लेकिन मुझे पता है तू सब संभाल लेगी। लेकिन सब कुछ संभालते संभालते तू अपना ध्यान रखना मत भूल जाना, वो गलती जो मैंने की तू नहीं करेगी, है ना? हाँ जी मम्मा। अपना ध्यान रखेगी ना? जरूर ध्यान रखना, ठीक है मम्मा? आप बहुत अच्छी हो।